त्रिभुजों की समरूपता हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए त्रिभुजों की समरूपता का मतलब क्या है, आप सबसे पहले समरूपता का वर्ड का मतलब समझिए, समरूप समान और रूप, तो ऐसी चीजें जिनके रूप समान हो। आप पहले पढ़ चुके हैं सर्वांग समता, सर्वांग समता क्या होती है, अगर हमें सर्वांग समता पता है तो हम लोग समरूपता की तरफ जाएंगे। सर्वांग समता होती है कि कोई दो चीजें बिल्कुल एक जैसी ही दिखे, दिखने में भी एक जैसी हो और उनकी जो साइज है वो भी ऐसी एक जैसी हो। यानी कि अगर हम इन हाथों की बात करें तो ये जो दो हाथ है ये बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और इनकी साइज भी एक जैसी है। अगर मैं इस हाथ को दूसरे हाथ पर रख देता हूं तो आप पिछले वाले हाथ को नहीं देख सकते, अगर आपको सिर्फ आगे का हाथ दिखाई देगा, और अगर आप ऐसे करते हो तो भी आपको सिर्फ ये वाला हाथ दिखाई देगा, इसके पीछे वाला नहीं दिखाई देगा। तो ये चीजें क्या है, ये सर्वांग सम है। जैसे हमने एक आकृति ली, ये दो आकृतियां हमारे पास है, इस दो आकृतियों को हम लोग क्या करेंगे, एक के ऊपर एक रख देते हैं। तो हमने जो पिंक वाली आकृति है गुलाबी वाली को हमने पीली वाली आकृति के ऊपर रख दिया। जब आपने इसको इसके ऊपर रखा तो आगे वाली आकृति ने पीछे वाली आकृति को पूरी तरह से छुपा लिया, पूरी तरह से छुपा लिया। अब अगर आप इसको ऐसे रखते हैं तो पीली वाली आकृति ने पिंक वाली आकृति को पूरी तरह से छुपा लिया, मतलब पीछे वाली को देखने नहीं दिया। अब अगर पीछे वाले को देखने नहीं दिया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इन दोनों की साइज सेम थी। अगर इन दोनों की साइज सेम नहीं थी तो आपको एक ना एक बार तो किसी ना किसी तरीके से आपको पीछे वाला दिख जाता। तो जब इनकी साइज भी सेम हो, इनके शेप भी सेम हो, तो वो क्या होंगे, सर्वांग समाकृतियां होंगी। ऐसा ही हम एक ट्राइंगल लेते हैं। देखिए ये दो आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपने कुछ इस तरीके से रखा। देखिए अगर आप इसको ऐसे रखते हैं तो आपका कभी नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें कुछ जरूरी भी है कि हमें सिर्फ एक ही एक ऐसी पोजीशन होगी जब ये चीज पॉसिबल होगी, हर पोजीशन में पॉसिबल नहीं है। आपने इस तरीके से रखा, अब आपने इसको देखा तो आपको फ्रंट से आप देखते हैं तो आपको येलो वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है और पीछे आपको पता है पिंक ट्राइंगल है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो इस केस में भी क्या होता है, हमें पिंक वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है लेकिन पीछे वाला ट्राइंगल छुप गया। तो इसका मतलब दोनों की साइज सेम है, दोनों का शेप भी सेम है, तो ये आकृतियां सर्वांग सम है। पर ये जो बात हुई हमारी, ये तो थी सर्वांग समता की, कॉन्ग्रुएंसी। पर कभी कभी क्या होता है कि आपकी आकृतियां जो है वो है तो एक जैसी, उनकी शेप एक जैसी है। जैसे मेरा हाथ आपका हाथ, इसमें भी पांच उंगलियां हैं, उसमें भी पांच उंगलियां हैं, लेकिन दोनों की साइज सेम है। इसकी साइज और आपके हाथ की साइज में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तब क्या होता है कि आप लोगों के यहां पर समरूपता निकल कर आती है। समरूपता यानी कि दो चीजें दिखती एक जैसी हैं लेकिन उनकी साइज अलग अलग है। तो हम लोग ये कह सकते हैं समरूपता में कि यदि दो आकृतियां समान रूप में हो परंतु उनका माप यानी कि उनकी साइज अलग अलग हो, अलग हो, तो वे आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती हैं। वो आकृति कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि त्रिभुज के बारे में ऐसा होता है, वो आकृति कोई भी हो सकती है, त्रिभुज भी हो सकता है, या आप दो किसी भी तरीके की आकृतियों की बात कर सकते हैं। आप एक कार के बारे में बात करें, एक कार है इस तरीके से खड़ी हुई है तिरछी, आपने इसका फोटो यहां से लिया, एक दूसरी कार है आपने उसका भी फोटो यहां से ले लिया साइड में से। अगर ये दोनों कार एक ही मॉडल की होंगी, एक ही तो बिल्कुल है, तो सीधी सी बात है दोनों सर्वांग सम हो जाएंगी, क्योंकि उनकी आकृति भी एक जैसी होगी, उनकी साइज भी एक जैसी होगी। लेकिन अगर ये अलग अलग मॉडल की है तो दूर से तो हमें एक जैसी दिखेंगी लेकिन एक्चुअल में उनकी साइज और उनकी शेप में डिफरेंस होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं यहां पर, हम फिर से दो ट्राइंगल लेते हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास जो पिंक वाला ट्राइंगल है ये थोड़ा बड़ा है, और येलो वाला जो ट्राइंगल है ये थोड़ा सा छोटा है। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखें
पहली पोजीशन देखें तो आगे वाले ट्रायंगल ने पीछे वाले को छुपा लिया, छुपा लिया तो हमारे दिमाग में आ सकता है कि हो सकता है ये लोग सर्वांगसम हो, कॉन्ग्रुएंट हो, लेकिन जैसे ही हमने पलटा तो हमें पीछे वाला दिख गया, मतलब सर्वांगसमता का तो कोई निशान नहीं रहा क्योंकि पीछे वाला दिख रहा है। इन दोनों की जो साइज है वो बिल्कुल अलग अलग है, दोनों का माप जो है वो बिल्कुल अलग अलग है, ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन देखने पर ये दोनों एक जैसे लगते हैं। तो जब इनकी शेप बिल्कुल एक जैसी है लेकिन इन दोनों की साइज बिल्कुल अलग अलग है तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया समरूपता। अब इस समरूपता को हम लोग दर्शाते कैसे, आपने लिखा कि ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है आपके पास एबीसी और दूसरा ट्रायंगल आपके पास जो है उसका नाम है डीईएफ। तो यदि ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ इनको हम लोग बना लेते हैं, ये हमारे पास है ट्रायंगल ए बी और सी, ये हमारे पास हुआ डी ई और F। इन दोनों ट्रायंगल का अगर हम लोग एक तरह से इनको देखें तो इनकी आकृतियां तो समान है लेकिन इनकी साइज अलग अलग है, ये ऊपर वाला छोटा है एबीसी और ये बड़ा है। जब हम कहें कि ये दोनों समरूप है तो इन दोनों को समरूप दर्शाने के लिए बीच में ये निशान लगा दिया जाता है। इस तरीके से आप जब निशान लगाएंगे तो ये दर्शाता है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ एक दूसरे के समरूप है। यह आपके पास जो निशान है यह सर्वांगसमता का निशान था, हम इस सर्वांगसमता के निशान में से बराबर अगर हटा दें तो हमारे पास समरूपता का निशान बन के आ जाता है। अब देखिए जब दो आकृतियां एक दूसरे के लिए समरूप होंगी तो उनमें क्या होता है, समरूप होंगी उनके रूप समान होंगे तो रूप समान होने के लिए इस आकृति में बनने वाले सभी कोण समान होने चाहिए। यानी कि ए जो है वो डी के बराबर होना चाहिए, बी जो है वो ई के बराबर और सी जो है वो एफ के बराबर होना चाहिए। हम इसको कह सकते हैं कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि संगत कोण है वो संगत कोण एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, यानी कि इसका ऊपर वाला तो इसका भी ऊपर वाला कोण, इसका लेफ्ट वाला तो इसका भी लेफ्ट वाला कोण और इसका राइट का कोण तो उसका भी राइट का कोण, इस तरीके से होना चाहिए। तो यदि संगत कोण बराबर हो तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ, ये सभी बराबर होने चाहिए। अब ये बराबर होंगे तो उनकी आकृति तो एक जैसी बन जाएगी, लेकिन अभी आपने कहा कि उनकी जो साइज है वो तो अलग होनी चाहिए, तो अगर उनकी साइज अलग होनी चाहिए फिर भी आकृति वैसी की वैसी रहे तो उनकी जो भुजाएं हैं वो बराबर तो नहीं हो सकती, लेकिन वो भुजाएं बराबर होने की बजाय एक ही रेशो में हो सकती है, एक ही अनुपात में हो सकती है। जैसे कि अगर ये 2 सेंटीमीटर की रेखा है तो ये 4 सेंटीमीटर की हो जाए, यानी कि इससे दुगनी हो जाए। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर हो, ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर हो, यानी कि सभी जो रेखाएं आपने बनाई है वो समान अनुपात में आपको मिल जाए। अर्थात आप कह सकते हो कि AB बटा ED बराबर हो गया, मतलब ये और ये 3/6 यानी कि 1/2 हो गया, BC बटा EF बराबर हो AC बटे DF के, यानी कि उन दो त्रिभुजों की भुजाएं जो हैं वो एक समान अनुपात में हो। इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो हमारी जो भुजाएं हैं वो 1/2 के अनुपात में है, तो ये जो है आपके पास त्रिभुज के लिए समरूप होने के लिए जरूरी चीजें होंगी कि तीनों तो कोण बराबर हो लेकिन कौन से, संगत कोण बराबर हो, यानी कि एक जैसी पोजीशन हो उनकी,
और उनकी जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में हो। अगर ऐसा होता है तो हमारा जो त्रिभुज होंगे दोनों, वो दोनों एक दूसरे के समरूप त्रिभुज होंगे। अब देखिए इस समरूपता में कुछ प्रमेय आती हैं, पर अभी हम उन प्रमेय को थोड़ा सा अलग रखते हैं और हम ये बात करते हैं कि किन्हीं दो त्रिभुजों को समरूपता किस तरीके से देखी जा सकती है। तो सबसे पहले हम समरूपता के बारे में पूरी बात कर लेते हैं। तो समरूपता को चेक करने के कुछ तरीके हैं, वो चेक करने के जो तरीके हैं वो समरूपता की कसौटियां यानी कि क्राइटेरिया कहलाते हैं। तो ऐसे हमारे पास तीन क्राइटेरिया है। कसौटियां, क्राइटेरिया या हम कह सकते हैं कुछ कंडीशंस है ये हमारी। अगर ये कंडीशंस फॉलो होंगी तो ही हमारे जो त्रिभुज होंगे वो समरूप त्रिभुज होंगे, या वरना वो त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। तो ये हमारे पास जो क्राइटेरिया है इसमें सबसे पहला जो हम लोग क्राइटेरिया देखेंगे वो क्राइटेरिया कहलाता है कोण, कोण और कोण क्राइटेरिया, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं एंगल 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 ए ए ए, तीन बार ए यानी कि एंगल 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 क्राइटेरिया। देखिए क्या होता है कि यदि आपके पास एक ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों ही कोण एक दूसरे के बराबर है, दो त्रिभुज है आपके पास, इसका कोण ऊपर वाला कोण इसके ऊपर वाले कोण के बराबर है, इसका राइट साइड वाला इसके राइट साइड वाले के बराबर है, इसका लेफ्ट साइड वाला कोण उसके लेफ्ट साइड वाले कोण के बराबर है। अगर ऐसा है तो सीधी सी बात है, ये बिल्कुल फिक्स है कि अगर सारे कोण एक दूसरे के बराबर हैं तो भुजाएं अपने आप ही बराबर हो जाएंगी, और भुजाएं अगर अपने आप बराबर हो जाएंगी या अपने आप एक अनुपात में आ जाएंगी तो त्रिभुज समरूप होंगे। तो यदि कहीं पर भी किसी भी दो त्रिभुजों में उनके तीनों संगत कोण बराबर हो, या हम कह सकते हैं कि यदि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर हो कोण डी के, कोण बी बराबर हो कोण ई के और कोण सी बराबर हो कोण एफ के, अगर ऐसा होता है यहां पर ए डी बी और सी, ठीक है, ये अगर हमारे पास बराबर मिल जाते हैं तो जो त्रिभुज है वो समरूप हो जाएंगे। अब देखिए ये कौन से त्रिभुज होंगे, त्रिभुज किस तरीके से रखे हुए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, त्रिभुज तो आप किस तरीके से भी पलट के देख सकते हैं, इसलिए किस तरह से रखे हुए हैं उससे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अपने आप ढूंढना होगा कि संगत जो कोण है वो क्या है। देखिए कोण ए और डी बराबर है, मान लेते हैं कि ये कोण जो है हमारे पास ये 30 डिग्री का है, तो ये वाला जो है वो भी 30 डिग्री का होना जरूरी है। अगर हमारे पास सी, सी कोण 70 डिग्री का है, ठीक है, सी अगर 70 डिग्री का है तो एफ भी 70 डिग्री का होना चाहिए। अगर हमारे पास बी 80 डिग्री का है तो ई भी 80 डिग्री का होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि संगत कोण बराबर हैं, तो संगत कोण यदि बराबर है तो वो त्रिभुज जो है समरूप त्रिभुज होगा। इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ये हमारे पास हो गई समरूपता की पहली कसौटी, पहला क्राइटेरिया कि यदि तीनों कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि ए ए ए क्राइटेरिया से आप इन्हें समरूप कह सकते हैं। अब जब आपने यहां लिखा कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है, उस लिखने के तरीके में भी आपको कुछ ध्यान देना होगा।
आप जब लिख रहे हैं तो ए और डी ई एफ लिखते हैं, वैसे त्रिभुज का नाम आप डी ई एफ ई एफ डी कुछ भी लिख सकते हो, पर यहाँ क्या देखना पड़ेगा कि ए जो है वो डी के बराबर है, तो जिस जगह ए लिखा हुआ है उसी जगह पे डी आना चाहिए। जो कोण बी है वो ई के बराबर है, तो जिस जगह पर बी लिखा हुआ है ना उसी जगह पर ई आना चाहिए। कोण सी किसके बराबर है, एफ के बराबर है, तो सी जब आपने तीसरी जगह पर लिखा है तो एफ भी आपको तीसरी जगह पर लिखना पड़ेगा। ये लिखने का तरीका बिल्कुल फिक्स है और इसको आप नहीं बदल सकते। ये हमारा पहला क्राइटेरिया हुआ। अब हम पहले क्राइटेरिया से हटके दूसरे पर आते हैं। देखिए अब अगर हम इन्हीं त्रिभुजों में बात करें, हम एंगल्स को भूल जाते हैं, हमें एंगल्स नहीं दिए गए। अब हमारे पास जो क्राइटेरिया है, दूसरा क्राइटेरिया कहलाता है भुजा, भुजा और भुजा क्राइटेरिया, या हम इसे कहते हैं साइड, साइड और साइड। तीन साइड्स की हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं, भुजा 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 क्राइटेरिया। इस केस में क्या होगा, अगर ये वाली भुजा हमारे पास 2 सेंटीमीटर की है तो ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 6 है, ये हमारे पास, ये भी हम लोग 2 ले लेते हैं और ये हमारे पास 4 है। अब यदि हमें दिख रहा है कि जो भुजाएं हैं वो सारी समान अनुपात में हैं, भुजाओं का तीनों भुजाओं के लिए अगर हमें दिया गया है और अनुपात हमें दिख रहा है कि ए बी बटा ई डी बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे एफ डी, इन सबका अनुपात 1/2 दिया हुआ है, इन सबका अनुपात अगर सेम है तो हम लोग एस 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 नियम यहां पर लगा सकते हैं और इस नियम के द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि ये त्रिभुज समरूप है। देखिए अगर आपको ये 2 और ये 4 नहीं दिया होता तो आपको क्या पता होता, सिर्फ 2 भुजाओं के लिए अनुपात पता होता, तीसरी के लिए नहीं पता होता। और अगर तीसरी के लिए नहीं पता होता तो आप नहीं कह सकते कि इसका भी जो रेशो है वो इनके जैसा ही है। तो उस केस में आप जो है सिर्फ एस और एस लग पाता, 2 साइड पता लग पाती, तीसरी नहीं पता लगती, तो आप उनको समरूप नहीं कह सकते थे। हो सकता है वो समरूप ना हो या हो सकता है वो हो भी। लेकिन अगर ऐसा है कि ये 2 है और ये 4 है तो वो पक्का से समरूप है, तब आप इनको समरूप कह सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर एस 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 नियम लगता है, तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ये हमारे पास इनकी समरूपता आ जाती है। और इस समरूपता में भी हमें सीक्वेंस का ध्यान रखना होगा। कैसे, देखो ए बी और डी एक दूसरे के लिए रेशो बना रहे हैं, तो जहां आपने ए बी लिखा है वहीं आपको डी ई लिखना पड़ेगा। जहां आपने बी सी लिखा है, देखो बी सी यहां लिखा है तो बी सी का ई एफ के साथ रिलेशनशिप है, तो बी सी लिखा है तो ई एफ भी उसी जगह पर होना चाहिए। फिर आपको दिखता है ए सी ऐसे है ए और सी, तो आपको डी और एफ, देखो एफ डी या डी एफ एक ही बात है, तो आपने यहां पर डी एफ। ठीक है, तो ये हमारे पास एस 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 के नियम से इनकी समरूपता होती है। अब हम आते हैं तीसरे नियम पर। जो तीसरा हमारा नियम है वो नियम कहलाता है भुजा कोण और भुजा का नियम, या एस ए एस नियम, साइड एंगल साइड। इसको अब नाम पढ़ के तो हमें बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है कि एक एंगल बराबर होना चाहिए और 2 साइड्स के रेशियो बराबर होने चाहिए, तो हमारे निकल जाएगा। लेकिन इसमें भी एक चीज हमें बहुत ध्यान से याद रखनी है, इस नाम को हमेशा एस ए एस ही क्यों लिखते हैं, ए एस एस क्यों नहीं लिखते या एस एस ए क्यों नहीं लिखते, इस नाम को एस ए एस ही लिखते हैं। इसका रीजन क्या है कि आप जो समरूपता देखेंगे उसमें क्या होना चाहिए, जिन 2 भुजाओं के बारे में आपको पता है, जिन 2 भुजाओं के बारे में आप बात कर रहे हो सिर्फ उनके बीच का कोण ही बराबर होना चाहिए तभी काम होगा। मतलब आपको यह पता हो कि ये तो बात तो कर रहे हो आप इन दोनों भुजाओं की, ये 30 डिग्री और आप कह दो ये 30 डिग्री है तो ये समरूप है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जब आपको अनुपात इन 2 भुजाओं के लिए बात कर रहे हो आप अनुपातों की, तो इन्हीं के बीच में बनने वाले कोण की बात होनी चाहिए,
किसी अदर कोण की आप बात करोगे तो इसमें समरूपता आप नहीं सिद्ध कर सकते। तो ये 30 डिग्री है तो उन्हीं के बीच में आने वाले कोण का भी मान 30 डिग्री यदि है तो ही समरूपता होगी। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ए बी बटा एफ ई डी बराबर ए सी बटा एफ डी, ये तो है 1/2, और कोण ए बराबर कोण डी है 30 डिग्री का, अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो ये हमारे पास तीसरी और आखिरी कंडीशन होती है त्रिभुजों की समरूपता के लिए। अगर ऐसा कहीं पर हमें मिलता है कि हमें दो भुजाओं के रेशो यानी कि ए बी बटा ई डी, यहां पर ए बी बटा ई डी, ए सी बटा एफ डी, ये हमें रेशो पता है, और इन्हीं रेखाओं के बीच में बनने वाले कोण जिनकी हम बात कर रहे हैं उन्हीं रेखाओं के बीच में बनने वाले कोण के बारे में पता है तो वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। ये हमारे पास होती है त्रिभुजों की समरूपता की 3 कसौटियां। तो फिलहाल हमने जो कसौटियां पढ़ी उनको याद रखने के लिए, उनको एक साथ याद रखने के लिए हम इसका अवधान बनाते हैं। देखिए अवधान प्रक्रिया जो है, अवधान प्रक्रिया कहती है कि जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं उन सारी चीजों को पढ़ के एक बार एक साथ हम लोग उसे रिवाइज करें। रिवाइज कैसे करें, बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम उसको एक जगह बना लेते हैं, ठीक है, और हमने जो जो पढ़ा उसको हम लोग हमारे दिमाग में मैप कर लेते हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा है यहाँ पर उसमें 3 कसौटियां पढ़ी। जब हम 3 कसौटियां पढ़ रहे हैं तो 3 अलग अलग चीजें हमें दिखानी होंगी। 3 अलग अलग चीजें दिखाने के लिए हम एक त्रिभुज की आकृति का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे पास 3 अलग अलग पॉइंट्स मिल जाए जहां पर हम अपनी बात को रख सकेंगे। और ये त्रिभुज की आकृति फिक्स है, यानी कि आप अवधान प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तो 3 के लिए 3 आप त्रिभुज बना रहे हैं तो ये फिक्स है। 4 अगर हमने पढ़ा होता तो हम लोग एक वर्ग बना लेते और वो भी आकृति उसके लिए हमेशा फिक्स रहती। तो फिलहाल हमें बनाना है एक त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में हम लोग बनाते हैं सबसे पहले हमने पढ़ा था ए ए ए क्राइटेरिया, एंगल एंगल एंगल, यानी कि तीनों एंगल अगर समान हैं तो त्रिभुज समरूप होंगे। फिर हमने पढ़ा एस 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 क्राइटेरिया, यानी कि यदि तीनों भुजाएं समान हैं तो वो समरूप होंगे। और फिर हमने पढ़ा एस ए एस क्राइटेरिया, यानी कि दो भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए और उनके बीच का जो एंगल है वो भी समान होना चाहिए तो हमारे जो दो त्रिभुज होंगे वो एक दूसरे के समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गए समरूपता के लिए 3 क्राइटेरिया, AAA, SSS और SAS। ये हमारा इसका एक अवधान मैप है जिसके द्वारा हम लोग याद रख सकते हैं कि समरूपता के लिए 3 कसौटियां क्या क्या है।